आज हम देखेंगे गंगा जल या चरणामृत लेते हुए हमें कौन सा श्लोक पढ़ना चाहिए। अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु पादोदकम पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। सबसे पहली बात, गंगा जल को ही चरणामृत कहते हैं। गंगा जल जो गंगा का जल है, आप उसे ही चरणामृत कैसे कहते हैं? विष्णु जी के चरणों से गंगा जी निकली थी, इसीलिए वह चरण प्लस अमृत चरणामृत बन गया। अब इसका अर्थ है अकाल। काल का अर्थ होता है समय। अकाल अर्थात बिना समय के मृत्यु मौत हरणम दूर करता है, बिना समय के मृत्यु को दूर करता है। सर्व सभी व्याधि बीमारी विनाशनम नाश करती है, नष्ट करता है। विष्णु भगवान विष्णु के लिए हुआ है। पादोदकम, अभी मैंने कहा भगवान विष्णु जी के चरणों से गंगा जी निकली थी, इसीलिए इसे विष्णु पादोदकम कहा है। पित्वा पीकर पुनर्जन्म वापस से जन्म न नहीं विद्यते होता है। इसका पूरा अर्थ है भगवान विष्णु के चरणों से निकलने वाली गंगा जल को पीने से बिना समय के मृत्यु दूर होती है, सभी बीमारियां नाश होती है और पुनर्जन्म नहीं होता है।